ऑपरेशन मुस्कान के तहत बिलासपुर पुलिस पिछले एक माह में गुम हुए बालक बालिकाओं एवं अन्य 431 लापता लोगों को ढूंढकर उनके परिजनों तक पहुंचाया। जिले में गुम इंसानों के आवेदन थानों में काफी समय से दर्ज हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने लापता हुए लोगों को ढूंढ निकालने थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश देते रहे हैं। बता दें कि बिलासपुर जिले के कई बच्चे, पुरुष और महिलाएं घर से गायब हो गए थे, जिनमें से कुछ का अपहरण हुआ तो कुछ घर से नाराज होकर कहीं चले गए। ऐसे 431 गुम, लापता और अपहृत लोगों को बिलासपुर पुलिस ने एक माह के भीतर अलग अलग राज्यों में दबिश देकर खोज निकाला है। वहीं इस मामले में SSP दीपक कुमार झा ने बताया कि गुम इंसानों को खोजने के लिए बिलासपुर पुलिस मुस्कान अभियान चला रही है। इसमें अलग अलग टीमें बनाकर विभिन्न राज्यों में जाकर इन गुम इंसानों को खोजकर सुरक्षित उनके परिजनों के हवाले करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की जा रही है। विशेषकर गुम बालक बालिकाओं को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ बिलासपुर पुलिस काम कर रही है। और जैसा कि आपने सुना होगा, अभी हम लोगों ने पिछले अगस्त के महीने में ही 431 प्रकरणों जो गुम इंसान के थे, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, उन सभी को हम लोगों ने बरामद करके दस्तयाब करके उनके माता पिता बच्चों के केस में और जो गुम इंसान हैं उनके परिवार को उनको सौंपा था। और निश्चित रूप से ये एक महीने में ये इतनी बड़ी जो दस्तयाबी है वो पहली बार हुई है बिलासपुर ज़िले में। आगे भी इसको हम लोग प्रयास करेंगे, पूर्व के भी जो गुम इंसान हैं, जो विशेषकर जो गुम बच्चे हैं, उन सबको दस्तयाब कर उनको अपने परिवार वालों को सौंपने के लिए विशेष टीम बनाकर प्रयास करेंगे। TCP 24 के लिए बिलासपुर से दुर्गेश चंद्राकर की रिपोर्ट।